नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, बीपीएससी और यूपी पीसीएस या और भी जितने स्टेट पीसीएस हैं जिनमें नाटक के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे नाटक की। अब नाटक क्या होता है, नाटक का स्वरूप क्या होता है, नाटक के तत्व क्या होते हैं, नाटक का इतिहास क्या है, हिंदी नाटकों का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जब हम नाटक की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो आता है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद ऐसे नाटककार हुए हैं जिनके नाम पर नाटकों का युग बांटा गया है और हम बात करेंगे अभी इसके बारे में। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि भी हैं और ये भी हैं। फिलहाल हम बात करते हैं नाटक के बारे में कुछ विशेष बात की। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस तथ्य से आप परिचित हैं कि सांस्कृतिक चेतना का उत्कृष्ट रूप काव्य है। कहा गया है काव्येषु नाटक रम्यम। काव्येषु नाटक रम्यम का मतलब होता है काव्य में नाटक ही सबसे अधिक रमणीय होता है। विद्वानों ने इसे नाट्य वेद की संज्ञा भी दी है और नाट्य शास्त्र जो एक किताब है, भरत मुनि ने जिसको लिखा है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। नाटक के माध्यम से एक साथ सभी वर्गों का मनोरंजन एवं चित्तवृत्ति का संस्कार होता है, जबकि साहित्य की अन्य विधाओं के लिए साक्षर होना और साहित्य का ज्ञान आवश्यक है। नाटक एक ऐसी विधा है जिसके लिए व्यक्ति को साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जैसे अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी नाटक देख रहा है तो वो भी उसको समझ सकेगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि नाटक किस प्रकार का है। प्रसाद के बहुतायत नाटक ऐसे हैं जिनको कि अगर अनपढ़ व्यक्ति देखना चाहे तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, उसको समझ में कम आएगा। खैर, नाटक समस्त सामाजिकों के लिए लिखा जाता है जिसमें कविता, वास्तु, संगीत, शिल्प आदि विविध कलाओं का समावेश होता है। अब हम बात करते हैं हिंदी नाट्य साहित्य के विकास एवं स्वरूप को जानने के लिए हम हिंदी के इस पूरी विकास यात्रा को अब समझेंगे। इसके पहले अगर आपसे कभी ये वन लाइनर एक प्रश्न है, लेकिन इसको आपको याद रखना चाहिए, जब भी आप हिंदी नाटक का इतिहास पर कोई प्रश्न लिखेंगे तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि यदि हिंदी के पहले मौलिक नाटक की बात की जाए, हिंदी का पहला मौलिक नाटक तो ये जो हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल मानते हैं कि आनंद रघुनंदन नाम का जो नाटक है, इसको आप नोट करिएगा, आनंद रघुनंदन ये हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। और इसके जो लेखक हैं, नाटककार हैं, उनका नाम है विश्वनाथ सिंह। तो विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया ये जो नाटक है, इसको आप याद रखिएगा कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन है और इसको लिखा है विश्वनाथ सिंह ने। हम बात करें कि हिंदी में नाटकों की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बारे में हम बात अभी करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो नाटक है उसका क्या महत्व है। नाटक को आपने समझा कि अनपढ़ व्यक्ति भी देख सकता है और समझ सकता है, जबकि कहानी या फिर उपन्यास वगैरह पढ़ें या फिर कविता पढ़ें तो उसका अर्थ निकालने के लिए आपको साहित्य का कुछ ना कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। अब हिंदी साहित्य में नाटक का इतिहास हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि नाटक के तत्व क्या हैं। हालांकि अगर आप बीपीएससी के हैं तो आपने पहले भी वीडियो देखा होगा अंधेर नगरी, तो उसमें हमने नाटक के तत्वों की बात की थी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी नाट्य साहित्य का विकास और स्वरूप। हिंदी के नाटक के स्वरूप के बारे में अगर हम बात करें तो 1850 से हम इसको मानते हैं, और नाट्य रचना की दृष्टि से इसको हम तीन खंडों में बांट देते हैं। एक है भारतेंदु युग जो 1857 से 1900 तक है। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कहीं कहीं या किसी किसी नोट्स में आपको ये 1850 की जगह पे 1857 की जगह पे 1850 भी दिख सकता है। तो कुल मिलाकर 1850, 1857 से 1900 का जो समय है इसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। उसके बाद से एक और डिवीजन आप कर सकते हैं, सन 1900 से लेकर 1918, इसको हम द्विवेदी युगीन नाटक कहते हैं। 1900 से 1918 का जो समय है ये द्विवेदी युगीन नाटक का समय है। और फिर 18 के बाद जब हम बात करते हैं 1930 तक, तो इसको हम कहते हैं जयशंकर प्रसाद का युग, और प्रसादोत्तर युग उसके बाद आ जाएगा। 1930 से अब तक जो भी नाटक लिखा गया वो प्रसादोत्तर युग है। तो हिंदी नाट्य साहित्य के विकास के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछे तो आप इसको जनरली 5 भाग में बांट सकते हैं या 4 में भी बांट सकते हैं। कौन सा पहला है, 1850 या 57 से 1900 तक भारतेंदु युग, उसके बाद प्रसाद युग 1900 से 1918 तक द्विवेदी युगीन जिसको हम प्रसाद पूर्व भी कह सकते हैं, और 1918 से 30 के बीच का समय, बेसिकली 1900 से भी मान सकते हैं प्रसाद युग कहेंगे, और उसके बाद प्रसादोत्तर युग है 1930 के बाद। बात करते हैं सबसे पहले हम भारतेंदु युग के बारे में।
एक सेकंड रुकिएगा, जरा मैं इसको चेंज कर लूं। बात करें भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग में आप समझिए कि भारतेंदु हरिश्चंद, इनका नाम आपने सुना है, हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिता बाबू गोपाल चंद द्वारा रचित नहुस नाटक को मानते हैं। 1841 में बाबू गोपाल चंद्र ने एक नाटक लिखा, नहुस नाटक। तो यदि हरिश्चंद्र के हिसाब से माना जाए, तो हरिश्चंद्र के हिसाब से 1841 में जो नहुस नाटक आया, यह हिंदी का पहला नाटक है। लेकिन तात्विक दृष्टि से बात करें तो यह पूर्ववर्ती ब्रजभाषा पद्य नाटकों की परंपरा है। ठीक, उसके बाद 1861 ईस्वी की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। उसके बाद भारतेंदु का स्वयं जो पहला नाटक है 1868 में विद्या सुंदर है। फिर और भी नाटक आए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पाखंड विडंबन 1872, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1872। फिर आगे बढ़िए तो सबसे महत्वपूर्ण जो यूपीएससी के सिलेबस में है, भारत दुर्दशा 1876, और यूपीपीसीएस और बिहार पीसीएस के सिलेबस में है अंधेर नगरी 1881 का नाटक। ये प्रमुख नाटक हैं जो भारतेंदु के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। भारतेंदु के जो नाटक हैं वो मुख्यतः पौराणिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित है। सत्य, हरिश्चंद्र, धनंजय, विजय, मुद्रा राक्षस, ये सारे अनुदित नाटक हैं इनके। तो खैर, इन नाटकों के बारे में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। कैसे आप देखेंगे, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए आप, भारतेंदु युग के जब हम अन्य नाटककारों की बात करते हैं, तो भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों में हैं लाला श्रीनिवास दास, उसके बाद राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, और उसके बाद से आप कहें तो रणधीर मोहिनी, रणधीर की जो प्रेम मोहिनी है 1877, संयोगिता स्वयंवर 1885, ये रचना है इनकी, लाला श्रीनिवास दास की, ये श्रीनिवास दास की प्रहलाद चरित्र है। एक सेकेंड रुकिएगा जरा, ये कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भारतेंदु युग के नाटकों में क्या खास बात थी। तो जो खास बात थी वो ये थी कि इसमें इन्होंने, जैसे अगर केवल हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की ही बात कर लें, तो इन्होंने तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक व्यवस्थाओं पर तंज कसा और व्यंग्यात्मक ढंग से इन्होंने इसका जो नाटक अपने लिखे उसमें व्यंग्य का पुट डाला, जिससे कि तीखे कटाक्ष भी किए हैं तत्कालीन समय में। इसके अलावा वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक एवं मौलिक नाटकों की रचना की गई है। इसके बाद से बात करिए तो ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपको, हिंदी में ही नहीं अभी तो समस्त विश्व साहित्य में केवल दो चार ही मिलेंगे और उन सब में भारतेंदु का स्थान सबसे ऊंचा होगा। उनकी शैली सरलता, रोचकता एवं स्वाभाविकता के गुणों से परिपूर्ण है। इसके बाद से हम बात करते हैं आगे, ये देखिए, रणवीर सिंह और प्रेम मोहिनी, ये सर्वश्रेष्ठ रचना है, रणवीर सिंह और प्रेम मोहिनी। इसका सुसंगठित चरित्र चित्रण स्वाभाविक तथा कथोपकथन वातानुकूलित एवं परिस्थितियों के अनुसार है। लाला श्रीनिवास दास की रचना है और लाला जी ने कहीं कहीं प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग वातावरण को यथार्थ रूप देने के लिए किया है और इसे ही हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। ठीक है, इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। फिर अन्य लोगों की बात भी है तो उसकी उतना उल्लेख करने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे। तो ये हो गई भारतेंदु युग की बात। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लें थोड़ी सी द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग उतना महत्वपूर्ण नाटक की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि वैसा कोई व्यक्ति, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता है द्विवेदी युग में जिसने कुछ बहुत अच्छा लिख दिया हो। हालांकि लिखे जा रहे थे, मगर मनोरंजन परक नाटकों की वहाँ पे एक श्रृंखला चल गई और वही चलने लगा आगे चल के। तो ये कुछ नाटक हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इतने सारे नाटकों को लिखने की आपकी कोई आवश्यकता है नहीं। हम सीधे आते हैं प्रसाद युग पर। प्रसाद युग का मतलब है जयशंकर प्रसाद के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है और जयशंकर प्रसाद सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में गिने जाते हैं। नाटक साहित्य की अगर हम बात करें प्रसाद युग के नाटक साहित्य की, तो इसको हम कुछ भाग में बांट सकते हैं। ये जो भाग है, पहला है ऐतिहासिक नाटक, दूसरा है पौराणिक नाटक, तीसरा है काल्पनिक और चौथा है अनुदित नाटक। प्रत्येक नाटकों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल, दो या तीन एग्जाम्पल आप बस याद रखिएगा, इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद युग में सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि प्रसाद युग के नाटकों में चार तरह के नाटक देखने को मिलते हैं, एक ऐतिहासिक नाटक की श्रृंखला, एक पौराणिक, एक काल्पनिक और एक अनुदित। अनुदित का मतलब होता है जिसका अनुवाद किया गया हो। ऐतिहासिक नाटकों की बात करें तो इसमें जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं वो स्वयं जयशंकर प्रसाद हैं और जयशंकर प्रसाद की अधिकांश रचनाएँ ऐतिहासिक नाटक की ही रचनाएँ हैं, ऐतिहासिक नाटक ही उन्होंने लिखा है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ
और आपको जो याद रखना है वो है स्कंदगुप्त 1928, और बीपीएससी के लिए याद रखना है चंद्रगुप्त 1929। ध्रुव स्वामिनी भी इनकी एक नाटक है, 1933 में आई थी। प्रसाद जी के नाटकों की विशेषता क्या है, प्रसाद की नाट्यकला के बारे में हम अलग से भी बात करेंगे। प्रसाद की जो विशेषता है वो ये है कि प्रसाद ने जो भी नाटक लिखे उसमें देशवासियों के आत्मगौरव, स्वाभिमान, उत्साह और प्रेरणा का संचार करने के लिए उन्होंने लिखा। अधिकांश नाटकों में जो कथानक है वो बौद्ध युग से लिया गया है। प्रसाद के नाटकों की बात करें तो हम आप स्कंदगुप्त की भी बात कर सकते हैं, और वहाँ उसमें भी बुद्धों बौद्ध जो हैं वो और सनातन धर्मियों के बीच में एक संघर्ष दिखाया गया है। इसके अलावा हूणों का आक्रमण दिखाया गया है स्कंदगुप्त में, हम अलग से स्कंदगुप्त के बारे में बात करेंगे। यही कारण है कि अधिकांश नाटकों का कथानक उस बौद्ध युग से संबंधित है। जब हम बात कर रहे थे प्रसाद युगीन नाटक की, बीच में वीडियो कट हो गया था, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं। तो प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति को प्रसाद ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया। उसके अलावा धर्म की जो बाह्य परिस्थितियों की अपेक्षा उन्होंने दर्शन की अंतरंग गुत्थियों को स्पष्ट करना अधिक उचित समझा। इसका मतलब समझिएगा, प्रसाद के नाटक जब आप पढ़ेंगे तो प्रसाद के नाटक में आपको दार्शनिकता मिलेगी, और ये जो दार्शनिकता है ये दर्शकों के लिए कई बार बहुत कठिन हो जाता है। और इसके साथ साथ जो लंबे लंबे इनके जो मोनोलॉग हैं जिनको हम स्वागत कथन कहते हैं वो भी अभिनेता की दृष्टि से थोड़ा खटकते हैं। हालांकि प्रसाद ने जो नाटक लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटकों में प्रसाद का ही नाम लिया जाता है, और प्रसाद से बढ़िया और अच्छा ऐतिहासिक नाटककार अभी तक कोई नहीं हुआ। इसके बाद से बात करते हैं और क्या खास बात है प्रसाद युगीन नाटकों की। तो मानव चरित्र के सत और असत दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया। नारी रूप को जैसी महानता, सूक्ष्मता, शालीनता और गंभीरता कवि प्रसाद के हाथों से प्राप्त हुई है, उससे अधिक सक्रिय एवं तेजस्वी रूप उसे नाटककार प्रसाद ने प्रदान किया है। इस लाइन को आप एकदम याद कर लीजिए, ये लाइन यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है और इस लाइन को आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न ये है, देखिए प्रश्न ये पूछेगा कि प्रसाद के नाटकों में पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री पात्र अधिक सशक्त हैं, इस पर आप टिप्पणी लिखिए या इसके बारे में अपने विचार प्रकट करिए। तो जिस प्रकार प्रसाद ने नारी को उचित स्थान या एक ऊंचा स्थान दिलाया है अपने कविताओं के माध्यम से, छायावादी कवि भी हैं, उस माध्यम से जिस तरह उन्होंने दिखाया उससे कहीं अधिक सशक्त और ऊंचा स्थान प्रसाद के नाटकों में स्त्री पात्रों का है। आप समझिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक का स्वयं नाम ही स्त्री पात्र के ऊपर है। इसके अलावा देवसेना नामक जो पात्र है, तो आप देखिए कि जितने भी पात्र हैं इनके नाटकों में स्त्री, वो एक तरह से पुरुषों से ज्यादा सशक्त पात्र हैं। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, आगे बढ़ते हैं। इस युग के अन्य ऐतिहासिक नाटककारों की बात कर लेते हैं, तो बद्रीनाथ भट्ट हैं, इनके द्वारा रचित नाटक है चंद्रगुप्त 1915, चंद्रगुप्त प्रसाद का भी नाटक है, याद रखिएगा। फिर इसके अलावा तुलसीदास नाम का नाटक इन्होंने लिखा, दुर्गावती नाम का नाटक लिखा है, ये नाम है बद्रीनाथ भट्ट, याद रखिएगा। फिर सुदर्शन है, सुदर्शन ने दयानंद की रचना की। मुंशी प्रेमचंद का जो नाटक एक करबला है 1924, पांडे बेचैन, ये देखिए पांडे बेचैन शर्मा उग्र, महात्मा ईसा, तो इस तरह से कुछ और नाम है जो आप याद रख लीजिएगा। ये नाम इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि अगर आप इस नाम को याद रखेंगे तो जब भी आपके वो टिप्पणी लिखने को लिए आएगा, अगर मान लीजिए आ गया, हालांकि ऐसा आता नहीं है, और यदि आ गया कि प्रसाद युगीन नाटककार या प्रसाद युगीन नाटक पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इन सब का प्रयोग वहां पर करेंगे। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नाटक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, इस पूरे का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं पौराणिक नाटकों की। तो पौराणिक नाटक जो हैं इनकी एक सशक्त परंपरा का प्रवर्तन इस युग से बहुत पूर्व ही भारतेंदु मंडल के विभिन्न लेखकों के द्वारा हो गया था। तो पौराणिक नाटक जो हैं ये भारतेंदु मंडल में भी लिखे गए थे, लेकिन यहाँ हम बात करें कि प्रसाद युग के पौराणिक नाटक कौन कौन से हैं, तो दो चार नाम आप इसमें से याद कर लीजिएगा। जैसे गंगा प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है रामाभिषेक नाटक, इसके अलावा ब्रजनंदन कृत रामलीला नाटक, गिरिधर लाल की रामवन यात्रा, उसके अलावा महावीर सिंह की नल दमयंती 1905, लक्ष्मी प्रसाद का नाटक है उर्वशी, ये याद रखिए, ब्रजनंदन सहाय का उद्धव नाटक है, उसके अलावा हरिनारायण का कामिनी कुसुम है। तो इनमें से कोई भी आप याद रख लीजिए, बस आपको एक बात याद रखने की जरूरत है। अब देखिए पारसी रंगमंच के बारे में मैंने अंधेर नगरी वाले वीडियो में बताया था, पारसी रंगमंच जो था वो लटके झटकों से भरा हुआ एक मनोरंजन प्रधान रंगमंच हुआ करता था, और खास तौर पे व्यावसायिक रूप से यदि हम बात करें रंगमंच का प्रारंभ और रंगमंच को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करने में पारसी रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और पौराणिक नाटक की जो लिखे गए हैं इन पर भी पारसी रंगमंच की छाप दिखाई पड़ती है, तो इससे पौराणिकता का थोड़ा सा ह्रास तो होता है, मगर अल्टीमेटली अगर हम बात करें दर्शक के नज़रिए से तो दर्शकों को काफ़ी पसंद आता है। तीसरा जो है, तीसरे तरह का जो नाटक है प्रसाद युग का, वो है कल्पनाश्रित नाटक। कल्पनाश्रित नाटक का मतलब है जिन नाटकों की कथा वस्तु में इतिहास, पुराण और कल्पना मिश्रित होती है उन्हें कल्पनाश्रित नाटक कहा जाता है। इस नाटक के भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक होता है प्रहसन और एक होता है सामाजिक नाटक। प्रहसन का मतलब होता है हास्य से संबंधित, और सामाजिक नाटक आप जैसा कि नाम से ही समझ पा रहे हैं कि समाज के बारे में उसमें बात होगी। प्रहसनों के अंतर्गत बात करें तो जेपी श्रीवास्तव ने लिखा था दुमदार आदमी, ये एक प्रहसन के अंतर्गत आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद से हम बात करते हैं आगे, उलट फेर, मर्दानी औरत, बद्री नारायण भट्ट के द्वारा लिखी गई चुंगी की उम्मीदवारी, विवाह विज्ञापन, ये सब जो नाटक हैं ये हैं। इसके अलावा सामाजिक नाटकों के बारे में बात करें तो मिश्र बंधुओं ने लिखा था मिश्र बंधुओं के नाटक, मुंशी प्रेमचंद का संग्राम, मतलब मिश्र बंधुओं के कुछ नाटक हैं, फिर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संग्राम है, फिर लक्ष्मण सिंह का नाटक है गुलामी का नशा, ये सब क्या है सामाजिक नाटक है। इसके बाद जो चौथी श्रेणी आती है वो आती है अनूदित नाटकों की, और अनूदित का मतलब होता है अनुवाद। इस युग में संस्कृत के, बांग्ला के, अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद किया गया, खास तौर पे बात करें तो सत्यनारायण भवभूति के नाटकों का। उसके अलावा रूप नारायण पांडे ने बंगला के द्विजेंद्र लाल राय के ऐतिहासिक नाटकों का तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के नाटकों का अनुवाद किया था। अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद भी मुंशी प्रेमचंद ने किया और ललित प्रसाद ने किया। तो ये अनुदित नाटक की एक श्रेणी थी जो प्रसाद युग में थी। फिर हम बात करते हैं नाटक के इतिहास में प्रसादोत्तर युग की, तो प्रसादोत्तर युग में क्या हुआ कि इसमें भी ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए हैं, सामाजिक नाटक भी लिखे गए हैं। प्रसादोत्तर का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद के बाद का जो युग था, नाटक के इतिहास में जयशंकर प्रसाद के बाद का जो युग था उसे हम प्रसादोत्तर युग के नाम से जानते हैं। और इस युग में ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा का और विकास हुआ, और जो प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं इस युग के वो हैं हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदालाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, ये प्रमुख रचनाकार हैं। जो प्रमुख नाटक हैं वो हैं रक्षाबंधन, शिव साधना, शपथ, भग्न प्राचीर इत्यादि। एक बार आप देख लीजिएगा, प्रेमी जी ने अपने नाटकों में प्राचीन इतिहास को न लेकर मुगल कालीन इतिहास का संदर्भ लिया है, और उसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान राजनैतिक, सांप्रदायिक और राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक नाटकों में एक खास बात यह होती है कि प्राचीन काल के संदर्भों के साथ वो आधुनिक संदर्भों को डील करने का प्रयास करते हैं, मतलब आधुनिक समस्याओं का समाधान भी वो प्राचीन समस्याओं के माध्यम से खोजने का प्रयास करते हैं। और प्रसाद के नाटक की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमने प्रसाद युग में पढ़ा। और ये प्रसादोत्तर में दूसरी जो श्रृंखला है वो है सामाजिक नाटकों की। इसमें गोविंद वल्लभ पंत ने अनेक सामाजिक और ऐतिहासिक नाटक लिखे, जैसे राजमुकुट है, अंतःपुर का छिद्र है, ये ऐतिहासिक नाटक हैं। इसके अलावा हम बात करें पौराणिक नाटकों की, तो इस परंपरा का विकास भी हुआ, जैसे इसमें क्या है सेठ गोविंद दास का नाटक है कर्तव्य, चतुरसेन शास्त्री का है मेघनाथ 1936 में, उसके बाद किशोरीदास वाजपेयी का सुदामा 1939, चतुरसेन शास्त्री का राधा कृष्ण, इस तरह से अनेक नाम हैं। आप कोई दो चार नाम याद कर लीजिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे नाम दिए हैं, किताब है तो बहुत सारे नाम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कल्पनाश्रित नाटकों की, तो कल्पनाश्रित नाटकों के बारे में हमने अभी पढ़ा कि प्रसाद युग में भी कल्पनाश्रित नाटक लिखे जा रहे थे। प्रसादोत्तर युग में जो नाटक हैं इनको हम तीन भाग में बांटते हैं कल्पनाश्रित नाटकों को, उन तीन भागों को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एक है समस्या प्रधान नाटक, एक है भाव प्रधान नाटक और एक है प्रतीकात्मक नाटक। समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन जो है वो इब्सन, बर्नार्ड शॉ, ये जो पश्चिमी पाश्चात्य नाटककार थे उनके प्रभाव से हुआ था। पाश्चात्य नाटक के क्षेत्र में जो रोमांटिक नाटक की प्रतिक्रिया होती थी, जो रोमांटिक नाटक थी उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप यहाँ पर यथार्थवादी नाटकों की शुरुआत हुई, कहाँ पर हिंदी में। और इसमें अगर हम बात करें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या प्रधान नाटक हैं सन्यासी, राक्षस का मंदिर, उसके अलावा सिंदूर की होली, आधी रात, ये उल्लेखनीय नाटक हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अन्य सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी किया है, अन्य लोगों ने भी किया है जो आप देख सकते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, दो चार आप याद कर लीजिए उतना बहुत है आपके लिए। फिर वृंदालाल वर्मा, इन्होंने भी ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखे, जैसे राखी की लाज, बांस की फांस, नीलकंठ, ये सब कुछ नाटक हैं। इनके आप नाम एक बार याद रखिएगा, एक दो नाम याद रखना ही पड़ेगा, जब आपको अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ नाम तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वतंत्रता के पश्चात नाटकों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ,
नाटकों में परिवर्तन क्या हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात जब हम हिंदी की स्वतंत्रता के बाद जब हम हिंदी की नई कहानी पढ़ते हैं या फिर आप नई कविता के बारे में पढ़ते हैं, तो नई कहानी और नई कविता की उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण थे वो ये था कि आज़ादी के बाद लोगों का सरकार के प्रति बहुत एक आप कह सकते हैं आशा थी कि नई सरकार आएगी और रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं और जो सरकारें आईं उनसे लोगों की आशाएं जो थीं वो पूरी नहीं हो पाईं, सरकारें लोगों की आशाओं के अनुरूप खरा नहीं उतर पाईं। इसकी वजह से क्या दिक्कत आई, इसकी वजह से जो आम जनमानस था उसका मोह भंग होने लगा अपने ही देश की सरकार से। दूसरी तरफ शहरीकरण का प्रभाव बढ़ा और औद्योगिकीकरण भी चल रहा था, तो शहरों में क्या हुआ कि अब शहरीकरण के प्रभाव से गाँव से लोग शहर की तरफ माइग्रेट होने लगे। गाँव के लोग जब शहर में जाएंगे तो उनको मनोरंजन का कोई ना कोई साधन चाहिए, जबकि गांव में मनोरंजन के बहुत साधन हुआ करते हैं और शहरों में कम थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस एक ये जो एक वर्ग गया है गांव से शहर की तरफ, इसके मन में निराशा, ऊब और अवसाद आने लगा। इस अवसाद को, इस निराशा को, इस ऊब को ही विषय बनाकर नई कविता लिखी गई, नई कहानियाँ लिखी गई। आप नई कहानियाँ देखिए तो उसमें संबंधों का बिखराव है, उसके पश्चात जो नई कविता है उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। राजेंद्र यादव की आप कहानियाँ देखिए या फिर अन्य जो भी कहानी है, आप एक दुनिया समानांतर की कोई भी कहानी उठाइए उसमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रोत्तर युग में। अब यही चीज़ नाटक के साथ भी होती है स्वतंत्रोत्तर युग में। स्वतंत्रता के पश्चात नाटकों में भी यही दृश्य देखने को मिलता है, जनता से मोह भंग है तो उसी प्रकार के नाटक लिखे जाएंगे। पाश्चात्य जो नाटक हैं उनसे प्रभाव होगा, कथ्यहीनता आएगी, संवादहीनता आएगी, मतलब नाटक ऐसा है कि उसमें संवाद की कमी है, कथ्य की कमी है, नायक की कमी है, इस तरह के नाटक आएंगे। और ये नाटक स्वतंत्रता के बाद हमें देखने को मिलते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक नाटकों की बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, नारायण लक्ष्मी नारायण दास, ये लोग जो हैं इन लोगों ने लिखा, कुछ नाटक लिखे, जैसे आप देख लीजिए कोडार्क है, पहला राजा है, उसके अलावा खंडित यात्राएं हैं, कर्फ्यू है, अब्दुल्ला दीवाना है, तो इस तरह के नाटक लिखे जाने लगे। फिर व्यक्तिवादी नाटक शुरू हुए। अब व्यक्तिवादी नाटक का मतलब होता है कि यहाँ पर व्यक्ति प्रधान है, व्यक्ति प्रधान है। जैसे इस वर्ग में अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण नाटककार की तो वो है मोहन राकेश, फिर आते हैं सुरेंद्र वर्मा, फिर आते हैं रमेश बख्शी और फिर आते हैं मुद्रा राक्षस। इन लोगों की रचनाएं, खासतौर पर मोहन राकेश की आप नाटक देखिए, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969, इसमें व्यक्ति और समाज के द्वंद्व के बारे में दिखाया गया है। अगर आप सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी देखें 1972 में, या फिर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग उनका नाटक है, तो इन्होंने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी है इन नाटकों के माध्यम से और परंपरागत जो मान्यताएं हैं उनका खंडन किया है, आप ये कहिए। यहाँ तक कि वैवाहिक संस्था की उपयोगिता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है नाटक में। क्यों लगाया गया, क्योंकि ये वही बात है ना कि अब जैसे जैसे शहरीकरण हुआ वैसे वैसे वैवाहिक संस्था के प्रति भी लोगों का मोह भंग होता चला गया और फिर यही सारी चीज़ें नई कविता, नई कहानी और फिर नाटक में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो विवाह के संबंध में परंपरागत मूल्यों के प्रति विद्रोह देखने को मिलता है। व्यक्ति स्वातंत्र, अहम और प्रेम संबंधों पर केंद्रित हो जाते हैं नाटक स्वतंत्रता के पश्चात जो नाटक हैं। उसके अलावा राजनैतिक नाटकों की बात करें तो राजनीति सदा से ही नाटकों का एक विषय रहा है और इसमें क्या होता है कि इसको आधार बनाकर बहुत सारे नाटक लिखे गए। दया प्रकाश सिन्हा का इतिहास चक्र है, कथा एक कंस की, विपिन अग्रवाल का ऊंची नीची टांग का जांघिया, हमीदुल्ला का समय संदर्भ, ये सब कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मन्नू भंडारी का है बिना दीवार का घर, शंभुनाथ सिंह का धरती और आकाश आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। हिंदी नाटक के क्षेत्र में डॉक्टर कुसुम कुमार का नाम है, संस्कार को नमस्कार, रावण लीला जैसे महत्वपूर्ण नाटक इन्होंने भी लिखे हैं। ये जो नाटक है ये राजनैतिक नाटक है, तो यहां तक हमने समझा। अब इसको एक बार हम पूरे का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए नाट्य साहित्य के स्वरूप और हिंदी नाटक के विस्तृत इतिहास के अध्ययन करने के पश्चात अब हम ये तो समझ गए हैं कि नाट्य साहित्य सबसे सशक्त विधा है और नाटक को समझने के लिए किसी व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। इसमें हमने ये भी समझा कि भारतेंदु हरीशचंद्र ने सामाजिक विसंगतियों, शिक्षा, नवजागरण के लिए नाटकों को अपनाया। देखिए यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस लाइन को याद रखिएगा, भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक में सामाजिक विसंगतियों, शिक्षा, नवजागरण के लिए नाटकों को माध्यम बनाया गया। उसके अलावा जयशंकर प्रसाद ने प्राचीन इतिहास को पुनः हमारे समक्ष रखा, इसके बारे में तो खैर हम जयशंकर प्रसाद के बारे में तो हम अलग से पढ़ेंगे ही। फिलहाल हम आगे अब बात करते हैं कि अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे नाटकों के तत्व के बारे में, नाटक के क्या तत्व होते हैं, नाटकों की तात्विक समीक्षा कैसे की जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे और नाटक के तत्व जो हैं ये हमारे अगले वीडियो का
विषय होगा और उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे बीपीएससी 67th बीपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो 9169041691 पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। याद रखिए, आप व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा, बाद में फ़ोन पे बात हो जाएगी। व्हाट्सएप इस नंबर पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी या फिर यूपी पीएससी या बीपीएससी किसी का भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, बहुत बहुत फायदा होगा आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत